मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मांधाता विधानसभा में उपचुनाव के दौरान असामयिक मौतों का सिलसिला आरंभ हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह की कंपनी के वाहन से एक मासूम की मौत का मामला भी थमा भी नहीं है कि दूसरे दिन भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल की चुनावी सभा में जब ज्योति राव सिंधिया मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे तभी सभा के दौरान एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब यह भाषण सुन रहा था उसी दौरान उसकी अचानक मौत हो गई। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में विधायक की कुर्सी तक पहुंचने के लिए प्रत्याशी खूब भागदौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी भागदौड़ के दौरान कोई बच्चा किसी कार के नीचे आकर दम तोड़ रहा है तो कोई कुर्सी पर बैठे बैठे ही मौत के शिकार हो रहे हैं। नेता हैं कि सिर्फ सहानुभूति जताकर अथवा दो मिनट का मौन रखकर फिर से सत्ता पाने की होड़ में जुट जाते हैं, लेकिन जो मृतक परिवार है उनका हाल जानने वाला कोई नहीं है और किसी को इसकी फुर्सत नहीं है। उधर मनरेगा साइट से श्रमिकों के फोटो गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है। पीपल खेरा पंचायत सचिव इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं, रोजगार सहायक भी बर्खास्त कर दिए गए हैं। दिल्ली से बंद हुई है मनरेगा की वेबसाइट। मामला मध्य प्रदेश के खरगोन से जुड़ा हुआ है। झिरनिया जनपद के पीपल खेरा नाका में मनरेगा के 11 जॉब कार्ड में फिल्म अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण एवं जैकलीन फर्नांडिस की फोटो लगाकर राशि निकालने के मामले में पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई है। रोजगार सहायक की लापरवाही भी उजागर हुई तो उन पर भी कार्रवाई की गई। उधर खरगोन जिले के सनाबाद नगर में शासकीय शराब दुकान पर मारपीट का एक मामला सामने आया है। बदमाशों के द्वारा दुकान में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दी गई है। सनाबाद नगर खंडवा रोड स्थित शासकीय शराब दुकान पर शराब कम कीमत पर लेने की बात पर यह विवाद हुआ, जिसमें 6 युवकों ने दुकान के अंदर प्रवेश कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दुकान के अंदर करीब 34,000 के सामानों को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा के पूजा को लेकर काफी रौनक देखी जा रही है। घट स्थापना के साथ ही सेगावा के प्रसिद्ध लालबाई फूलबाई मंदिर परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज महिला सशक्तिकरण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को कानूनी साक्षरता का ज्ञान होना उनके एवं उनके परिवार के विकास के लिए जरूरी है, यह विचार वक्ताओं ने यहां गंभीरता के साथ रखा और लोगों से इस पर अपील करने की जरूरत बताई। शिविर का आयोजन किया गया न्यायालय द्वारा, सर उससे आप क्या संदेश देना चाहते थे? आज महिला सशक्तिकरण के बिंदु पर हमने शिविर का आयोजन किया है। महिलाओं को कानूनी रूप से जागरूक करना और अच्छे समाज की संरचना करना, इसी ये हमारा उद्देश्य है। सर इससे क्या महिलाएं जागरूक होगी? सर निश्चित रूप से इससे उनको यह पता चलेगा कि कानून में कहाँ का किस अपराध का कौन सा प्रावधान कहाँ पर है, और वह क्षेत्रों में जाकर जो भी समस्या से ग्रसित लोग हैं उनको बता पाएंगी कि हमको इसका समस्या का समाधान कैसे निकालना है, कहां पर निकालना है, कौन इसके लिए सक्षम है और किस जगह पे जाना है, कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करनी है, ये सारी समस्याएं है कि ऐसे शिविरों से निदान करना पड़ता है। क्या शुभ नाम लिखे? BR पाटिल।